आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ओपन लेवल वीडियो। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्टील बार इन ए बंडल। ठीक है, एक बंडल में स्टील का जो वजन होता है वो कितना होता है और एक बंडल में कितने स्टील बार आते हैं तो वो देखते हैं। जैसे कि आपको साइड पे है, आपका बीम है, स्लैब है, छत है, या फिर आपका जो भी साइड पे आप काम करवा रहे हैं अपने वहाँ पे बीम में, स्लैब में और कॉलम में, इन तीनों का सरिया का वज़न निकाल लिया है। अगर आपने सरिया का वज़न निकाल लिया है तो आपको इस आपको ज़रूरत पड़ेगी बंडल की, क्योंकि जो आपके स्टॉक होता है वो होता है बंडल का। तो आप क्या करेंगे, तो मंडल का रिक्वायरमेंट ही देंगे ना, वहाँ पे वज़न को तो नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे सिंपल आप मंडल आते हैं, मुझे इतने मंडल चाहिए, इतने मंडल चाहिए, या फिर मुझे इतनी लेंथ चाहिए। अगर एक मंडल आता है एक मंडल से, अगर एक दो लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो लेंथ निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ ऑफ वन बार। जो लेंथ होती है आपको पता होगा, जो लेंथ है वन बार इन बंडल में होती है 40 फीट होती है। ठीक है, जो मंडल होता है स्टील बार का उसमें जो लेंथ होती है एक बार की तो 40 फीट होती है, या फिर इसको लिख सकते हैं 12 मीटर से 12.20 मीटर। मोस्टली 12 मीटर तो होती नहीं है, 12 से ज़्यादा ही होती है, 12.15 से और 12.10 और 12.20 समथिंग, इतनी इतनी मीटर होती है। ठीक है, तो 40 फीट आपके पास लेंथ है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं वेट ऑफ वन बार इन ए मंडल। हमें अब निकालना पड़ेगा एक बार का वेट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 8 mm, तो 8 mm लेने के लिए आपके पास है 12.20 आपके पास है मीटर, ये आपके पास है 12.20 मीटर वन लेंथ। ठीक है, तो एक लेंथ की आपने यहाँ पे निकाला वेट ऑफ वन बार लेंथ मंडल में एक बार की लेंथ कितनी है, आपका वजन निकाला है कि लेंथ की कितनी है वजन। तो 12.20 आपके पास लेंथ है और पर मीटर लेंथ होता है 0.395 kg, तो आप वज़न निकालें तो 4.80 किलोग्राम आपके पास एक लेंथ का वेट आएगा। तो वेट होता है ऑफ वन बंडल, एक जो बंडल का जो वज़न होता है 8 mm में 80 से 90 किलोग्राम होता है। ठीक है, एक मंडल का जो वज़न होता है 80 से 90 किलोग्राम के बीच में होता है। हम निकालते हैं नंबर ऑफ बार कितने आएंगे अब, तो नंबर ऑफ बार इन बंडल में तो 4.5 आपके पास है 85, मैंने एवरेज पकड़ लिया है तो एवरेज ले लिया मैंने 85 किलोग्राम, डिवाइड बाई कर देते हैं सिंपल 4.80 से, तो इसको इससे भाग कर देते हैं 17.81, तो 0.81 है, तो इसको 18 नंबर ऑफ बार आएंगे 8 mm के। ठीक है, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ बार आएगी कितने रहेंगे, 18 नंबर, बट इस कंडीशन में चलो ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 8 mm नहीं है, 10 mm है, 12 mm है, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास एक लेंथ पकड़ लीजिए, मंडल ले लिए, मंडल में एक लेंथ पकड़ लिए कितने मीटर की लेंथ है, उसको पर मीटर में वजन कर दीजिए, तो आपके पास एक लेंथ की वेट निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेबल देख लेते हैं थोड़ा सिंपल, आपके पास है सील नंबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डाया बार आपके पास, डाया कितना डाया बार है। ओके, जैसे मंडल है आपके पास 8 mm का मंडल है, 10 mm का मंडल है, ठीक है, तो आपके पास mm में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं लेंथ पर मीटर, जो आपके पास लेंथ है पर मीटर, जो लेंथ होता है, जो वज़न होता है किलोग्राम में, एक मीटर का जो लेंथ 8 mm का जो बार है उसका जो एक मीटर में जो वज़न होता है 0.395 kg वज़न होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नंबर्स ऑफ बार इन मंडल, एक मंडल के अंदर कितने नंबर्स ऑफ बार आते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। उसके बाद देखते हैं लेंथ ऑफ वन बार मीटर। ठीक है, जो एक बार की होती है एक मंडल में, एक मंडल मंडल के अंदर जो लेंथ होती है वन बार की कितनी होती है, वो आएगी मीटर में 12 मीटर से 12.20 मीटर, आपके पास मीटर में है, और फीट में लेते हैं तो 40 फीट होती है आपके पास से भी बार की मोस्टली। तो एवरेज वेट होता है, जो मंडल का एवरेज वेट होता है 80 से 90, 8 mm का होगा आपके पास 0.395 kg पर मीटर वेट होता है, जो नंबर्स ऑफ बार होते हैं 17 to 19 होते हैं। ये मत सोचना कि मेरे में 18 सही आए, मेरे 20 आए हैं, 19 आए हैं, ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपका कंपनी पे, डिपेंड करता है
ठीक है, कि आपकी कंपनी कौन सी है, टाटा है ठीक है, या फिर कौन सी है आपके पास, तो ये डिपेंड कंपनी पर डिपेंड करता है, तो इसलिए उसका वेट अलग अलग आता है, इसीलिए नंबर ऑफ बार अलग अलग आते हैं एटीएम में मोस्टली, बस बाकी में डिफरेंट, बाकी में सेम आते हैं। उसके बाद देखते हैं लेंथ ऑफ वन बार, ठीक है 12 मीटर से 12.5 मीटर होती है, और फिर आपके पास 40 फीट है, 80 से 90 किलोग्राम इसका वेट होता है। ऐसे ही देखते हैं 10 mm का, 10 mm का जो वेट होता है पर मीटर में होता है 0.61 किलोग्राम होता है पर मीटर में, नंबर ऑफ बार आता है 12, 10 mm के जो बार आएंगे एक मंडल के अंदर 12 आते हैं 10 mm के, तो इस हिसाब निकाल सकते हैं। तो देखते हैं उसके बाद लेंथ ऑफ वन बार, ठीक है ये 11 से, ज़रूरी नहीं है कि आपके में 12 ही आए, किसी में 11 आते हैं किसी में 12 आते हैं, तो इसलिए 11 से 12 तक आते हैं। लेंथ आपके पास सेम रहेगी, फीट में भी लेंथ सेम रहती है, और एवरेज वेट होता है आपका 80 से 90 किलोग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 12 mm का जो सरिया है, 12 mm का जो वेट होता है पर मीटर में 0.88 होता है, नंबर ऑफ बार होते हैं 9 बार होते हैं 12 mm के में, एक मंडल में 9 बार होते हैं। उसके बाद देखते हैं लेंथ ऑफ कितनी होती है, 12 मीटर की लेंथ होती है 12 से 12.20 मीटर होते हैं, ढाई आपके पास आ गया 40 फीट लेंथ, जो 40 फीट में है एवरेज वेट होता है 90 to 100 किलोग्राम, ठीक है एक जो आपका 100 किलोग्राम का होता है, 1 टन का होता है, ठीक है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, ठीक है तो इसमें 100 किलोग्राम तक होता है जो एवरेज बोन होता है, 90 से 100 किलोग्राम, ठीक है 16 का इस तरह निकाल सकते हैं, 1.58 नंबर ऑफ बार होते हैं 5 बार, और लेंथ होती है आपके पास 12 से 12.20 मीटर, और लेंथ होती है 40 फीट की, अगर आप फीट में निकाल रहे हैं तो एवरेज वेट होता है 90 to 100 किलोग्राम, ठीक है ऐसे 20 का होता है, लेंथ पर मीटर वेट होता है 2.466, नंबर ऑफ बार होते हैं 3, एक मंडल के अंदर 3 बार होते हैं, और लेंथ ऑफ वन बार कितने होते हैं 12 मीटर से 12.20 मीटर, ऐसे 90 से 1 90 से, ठीक है। तो अब देखते हैं 25 का, 25 का लेते हैं जो लेंथ होती है पर मीटर होती है 3.853 मीटर होता है, नंबर से कितने होते हैं 1, क्योंकि आपको पता होगा जो 25 mm होता है मोस्टली हैवी हैवी वेट हो जाता है, ठीक है तो इसलिए 1 1 बार आते हैं, जैसे 25 का हो गया 32 होता है, तो वो जो बार होंगे आपके 1 1 सिंगल सिंगल लेंथ आती है, जो कि काफ़ी हैवी हो जाता है, तो इसलिए मंडल में नहीं आते हैं, तो जो उसकी लेंथ होती है 12 मीटर से 12.20 मीटर के बीच में होती है, और जो बार होता है 40 फीट का होता है, तो एवरेज जो वेट होता है मंडल का आपके पास होता है 45 से 50 किलोग्राम होता है, एक लेंथ का जो वेट होता है, ठीक है तो जैसे आप मंडल ले सकते हैं, जैसे कि अपनी रिक्वायरमेंट ले सकते हैं साइट पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, हम तो नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।